छोटे बच्चे हैं अभी, थोड़ा सोच समझ के। कैसी रही पार्टी? क्यूट गर्ल हूँ, इसका मतलब मेरी आईडी भी क्यूट गर्ल से। ठीक है भाभी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक सुंदर सुशील वर की तलाश है। अब सबने आराम कर लिया, अब सब खाने का मन कर रहा है। लोग कह रहे 27 मिनट का ब्लॉग देखा, कामली कुछ बोलती ही नहीं है। इन्होंने खुद बोला। अरे हमने ही बोला, हमने कहा चौसा भात बना देती, सब थके हुए थे। थके हुए यहाँ देखना, और अभी यहाँ पे चल रहा है दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट। Yes, 1, 2, 3 and go. आईज ओपन करके स्माइल करना, ठीक है? बस एक लाइट और पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे जाओ। इस वाले मैं बताता हूँ, इस वाले लाइट के नीचे आ जाओ, बिल्कुल इस लाइट के। हम ब्लॉग में डालेंगे आपको, हमारे को भेज देना है। बिल्कुल बिल्कुल मनिका, मैंने भेज सही करना है, ठीक है? लगा के नहीं लगाऊं, ठीक है? नहीं हंस लो। हां वेट, जो हंसा भी नहीं जा रहा यार, कैसे सुन जा रहा है यार। डी स्माइल। हां अच्छा, एक मिनट पीछे क्या हो रहा है तुम्हारे चक्कर? ऐसे ऑर्डर करना है, लेट्स ओपन स्माइल करो दोनों। फिर नेक हल्का सा सीधा रखो, वो इधर हल्का सा, बस ठीक है। मोनिका आपका फेस हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ टिल्ट नहीं करना, हल्का सा टर्न करो, चिन डाउन करो और बस स्माइल, शोल्डर पे बस दब रहा है। हेलो तुम चलो बोलो। हाँ जी जल्दी आ जाओ, 2.5 मिनट हो गया। Yes, wait, ready Monica ji, ready, wait, yes, एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको। मेरा पीछे वाली ऑडियंस आप ही उस तरफ कर लो, ऐसा उधर देखो, सब उधर देखो, बच्चों बच्चों उधर देखो, उधर चल जाओ तुम लोग, उधर चलो, दिल वाले ना देखेंगे। वेट, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देखो। यस, 1, 2, 3 एंड गो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। छोटे बच्चे हैं आप, थोड़ा रेडी रेडी मोनिका, यस 1, 2, 3 एंड गो। वेट करना, वेट, होल्ड रखना, होल्ड रखना, होल्ड टच नहीं हुई, वो कर नहीं पा रहा हूँ, तब तक इधर ध्यान आ जा रहा उनका। तो पार्टी तो आज की खत्म हो गई है और हमारी सारी टीम यहाँ पे सो रखी है, पापा लोग दूसरे कमरे में। हाँ तो हम लोग यहाँ पे सो गए हैं, हमारी सारी टीम यहीं पे है, लड़की वाली और लड़के वाले तो चले गए, बाकी लड़के लोग हमारी टीम के दूसरे कमरे में हैं। और अंजलि तो कल सुबह जाने वाली है, ठीक है? अंजलि मेहमान जाने वाली है। अंजलि दौड़े, हाँ अंजलि वापस जा रही है, अंजलि को वहाँ कुछ काम है तो अंजलि जा रही है, तो उसके लिए जो भी वहाँ से सामान आया होगा तो वो अपनी सूट लेके जा रही है। तो हाथ धरा करते थे, हाँ यार, हो गया बढ़िया, लड़का भी नहीं तो ऐसा। अरे मन का प्रोग्राम देखने वाला है, तो सब बड़े अभी तो मिनती हम पकड़ाए थे। देखो
पता नहीं कहाँ गए सामान ले जाते। चलो तो अंजलि जा रही है यहीं से अपने ससुराल, तो पहले हम लोग अंजलि को भेज देंगे फिर हम लोग जाएंगे। चलो पहले अंजलि को भेजते। चलो दा तू एक मोरा ठीक है फोटो खींच। चलो ले गए सब सामान छोड़े बोलो मैं भी आपका एक कुछ छोड़े बोला है हमारे लहंगा तो इंजन आंद ले ये लहंगा फपराट के नहीं है भैया। हाँ भाई तो ओ भाई बारिश स्टार्ट हो गई अंजलि। अरे आसमान भी रोने लगे। हाँ भाई तो अंजलि। हाँ भाई तो बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ देखो बूंदा पानी होने लगी अंजलि के जाने के नाम पे। तो यहाँ पे बोर्ड लगाओ एयरपोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर है, ऋषिकेश यहाँ से 20 किलोमीटर है। ऋषिकेश के बहुत नजदीक हमारा कल यहाँ पे होटल था, ये होटल दून जायका करके। और ये देखो इतनी ज्यादा रची ना मेरी मेहंदी मतलब काली हो गई। और ये है मेरी अंगूठी देखो अभी ढंग से देख लो। ए भाभी रोए रोए के खिलाओ ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बर्फ लगी रे। सुनो बर्फ लगी भाई तो मैं बोल भाई। तो आप लोगों को ढंग से मेरी अंगूठी देखनी है, कल तो देख नहीं पाए होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो अंजलि लोग जाने वाले थे स्कूटी में रुड़की तक, तो लेकिन क्या करें अचानक से बारिश होने लगी। मम्मी लोग बोल रहे हैं रुक जाओ, लेकिन उनको बहुत जरूरी काम है तो उनको जाना पड़ रहा है। चलो बाय बाय। ये बर्फ हमें था अभी क्या जरूरी हुई साहिल। चलो बाय। कल मुझे इतने सारे बुके मिले, एक ये है, 3-4 और भी हैं। और मम्मी इनको घर लेके जाना है ना। ना ना क्यों सूख गए होगा। सूख भी गए ना मम्मी बोल रही यार अब क्या करना है उनका घर लेके, गाड़ी में जगह नहीं है। चलो हाँ वही तो घर में जाना है कबार घर में जगह नहीं। तो कल हम लोगों ने जो केक कटिंग करी थी उसमें ये इतना सारा केक बचा हुआ है और हमारी गाड़ी है बिल्कुल फुल, तो समझ में नहीं आ रहा है इसको घर कैसे ले जाना है। पेट में ले जाओ। हाँ पेट में घर पेट में लेके जाओ वही तो। दादी कने कल व्यवस्था ये केक बहुत अच्छी ये बहुत अच्छी लगी व्यवस्था। डन डन ओके ओके धन्यवाद। सुन दादी बनी अंजलि बनी की दादी बारह बोल मैंने कहा कब ढूंढी थी आसमान लड़का इन बन छे। तो दादी बोल रही उसने कहाँ से ढूंढा इतना सुंदर लड़का है ना। भले भले सगाई होनी नहीं जाए भले बस अब संतान भेजो। दादी दादी के बन छे ब्याह। दादी तू के बन छे ब्याह सगाई दिन कि बस अब संतान भेजो। अच्छा अच्छा तेरा ही ब्यो ही नहीं मैं सा अच्छा तेरा चेंज तो मैं क्या पता ब्यो में तैयार कर दे रहा तब ब्यो तो साल भरो भेजो। अभी तो सगाई होने थे। हां हां भगवान दे रहे तो। हां अच्छा अनले तो बन जे ठीक ठीक बस संतान चेंज ने ने तो व्यवस्था भेजो ली व्यवस्था नहीं वही तो एक साल कर लोड होता होता इतना लेन तो नहीं लगाओ ना खेल तू सुनो तो आप हथ वही। चलो भाई उतरो उतरो हम लोगों को तुमने सोने नहीं दिया खुद तो तुमने बढ़िया नींद पूरी कर ली। चलो 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 हाँ हाँ
गौरी चल बेटिया चलो आ जाओ चलो सब आप सोएंगे ठीक है अब आराम करने का समय है हाँ यस यस चलो 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 कल देखा होगा आपने यहीं की वीडियो में क्या रौनक आ रही है सबके वही तो और आज कैसा आ रहा है आप सबको सोना है ना मेरे को नहीं सोना क्यों सगाई 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 यो मैंने बटन वही तो इतनी शॉपिंग इतना कुछ पल भर में सीधे मतलब पता ही नहीं चला यार भाई वैसे तो हम लोग थके हुए थे लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले बना दी यहाँ पे चाय चाय से ही मिटती है कुछ हम लोग उड़ जाएगी ना कुछ हम लोग फूड खा रहे हैं और मम्मी बहुत थकी हुई है आज कल जितना वो लोग थे हम लोग इतने एक्टिव थे आज उतने वीक पड़ गए हर कोई मतलब सगाई सगाई ये वो पता भी नहीं चला कब क्या हुआ इतना खर्चा हाँ वही तो एक दिन भी क्या एक कुछ घंटों की बात थी बस तो वैसे तो सब लोग थके हुए थे उसके बावजूद भी बबली घर में थी तो उसने खाना बना दिया था जल्दी जल्दी उन्हीं लोगों पे है फूर्ती और मम्मी अपनी फूर्ती के अकॉर्डिंग काम कर रही है क्या बांटने का काम कर रही है अम्मी मैं अब काम फेवरेट चौसा हाँ चौसा और दाल बनी है वो दाल है दो चीजें पापा ने बोला हमने बोला ना चौसा बनाना है पापा ने बोला नहीं दो आइटम बनाने हैं बिल्कुल प्रॉपर चाहिए सब चीज़ हाँ भाई तो इसीलिए चौसा ही बन रखा है मैं तो बहुत चौसा दिखाते हैं आप लोगों मैं तो क्या मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ हाँ तो मम्मी ने तो बोले था चौसा भात बनाओ नहीं इन्होंने खुद बोला अरे हमने ही बोला हमने कहा चौसा भात बना देते थे सब थके हुए थे मैं सोच रही थी कि मैगी बनाते फिर मैगी बनाओ फिर खाना बनाओ हमने सोचा साथ में ही खाना बना देते हैं एक साथ निपट जाता है यस यस वैसे ज्यादा लोग खाने वाले थे नहीं दो प्रेशर पे चावल बने हुए हैं ए यहाँ देखो हाय करो भूख लगी थी कल कैसा लगा वहाँ कैसी रही पार्टी कैसे सुंदर है कि नहीं है कितने सुंदर बहुत की थोड़ा सा हाँ सूरज और साहिल यहाँ पे खा रहे हैं खाना कैसी रही पार्टी कल थके तो नहीं बोल बोल बहुत थक गए ना कोई नहीं अभी आराम करने आज का दिन आराम करने का है कहाँ है भाभी इतना खतरनाक डेडिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा भाभी यहाँ बैठी हुई वीडियो एडिट करने आ जाएंगे यार कल भाई जरूर आएंगे आएंगे इस हिसाब से आपका डेडिकेशन है सब लोग अंदर बैठे हुए गप्पे मारे भाभी यहाँ बाहर पे एकांत में आके एडिटिंग करने का आप लोग जरूर भाभी के चैनल को सब्सक्राइब करें पहाड़ी साधना प्लीज यार धन्यवाद बहुत करती हूँ क्योंकि भाभी बहुत मेहनत मैं इतनी मेहनत ना हम लोगों में नहीं है इतना डेडिकेशन कभी कभी बड़े स्टार हो ना आप लोगों में मेरी भाभी सुपर स्टार तो चलो कोई भी शोर नहीं करेगा अब ठीक है हमारे सोने की डैडी क्या बोला मैंने क्या बोला कोई भी शोर नहीं करेगा ओके हाँ अब सोने का टाइम आ गया सो जाओ अपने अपने कोने पकड़ो सोने का टाइम आ गया सो जाओ भाई कितना अंधेरा हो गया यहाँ लाइट खोला दो तो ये देखिए ब्लॉगर इनका लोग सो रहे हैं इनका अपना ही चल रहा है इसकी वीडियो इसकी फोटो है वीडियो एडिटिंग वीडिंग का इतना प्रेशर हो गया ना सिर्फ एक तो नींद पूरी नहीं हुई नींद पूरी नहीं होती उसको एडिटिंग करने का अत्ता बोल रहे हैं फ्री के पैसे हैं इनका तो क्या है मेहनत बहुत लगती है बहुत मेहनत और अभी हम लोग सुबह जिस टाइम हम लोग नाश्ता करते थे उस टाइम हमने दिन का खाना खा लिया बिस्तर लग गए हैं अब सीधे सोना है भाभी क्यों बिजी हो रखे भाई इतना खत्म मती भाभी तो भाई साहब भाभी इतने गैजेट लेके चलती है ना भाभी दूसरी वीडियो की एडिटिंग की तैयारी कर रही है अब खाना खाने क्या आपने पहले नहीं देखी दूसरी वीडियो की एडिटिंग शुरू हो गई चलो जाओ पहाड़ी साधना चैनल जल्दी जाओ पहाड़ी साधना सर्च करो अभी भाभी जी का चैनल और कमेंट करो कि कहाँ से आए आप इसकी ऑडियंस से आए या मेरी ऑडियंस धन्यवाद भाभी को पता लग जाएगा तो फिर हम लोग आ रखे हैं थोड़ा बहुत एक जूस पीने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो रही थी कल से तो हम लोगों ने सोचा गर्मी भी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा जूस पी लें ए मुझे मौसमी का चाहिए था यार ये पाइन एप्पल का होगा पी ले कोई भी हाँ तो जो हम लोग वहाँ से केक बजा के लाए थे अभी सब लोग आराम करके उठ गए हैं और अब सभी खा रहे हैं अब मन कर रहा है दादी दादी सुनो ना तो बोलने मन कर रहा है केक खाने का दादी मन करना चलो मलाई वाली चीज ना अब सब ने आराम कर दिया अब सब खाने का मन कर रहा है ना हाँ बहुत थके हुए थे सब लोग तुम भी बोला कुछ सो गए थे ना 11 बजे खा के सो गए थे अभी उठे 3:30 बजे अच्छे तक केक खा रहे
आप सबको उठने कई चीजें खाए, गुलाब जामुन, मतलब उठ के भूख लगती है ना, तो इस वजह से काम ने खा लिया। लोग कह रहे 27 मिनट का ब्लॉग देखा, काम ने कुछ बोलती ही नहीं है। काम ने वही तो अभी भी नहीं बोलू कहानी में, तब हम अगलो भी देख की क्या बताइए मम्मी नहीं बोली। तो फिर सुबह से तो हम लोग बहुत थके हुए थे आज, अब आराम हो गया है। अब शाम को 5 बजे अब रिलैक्सिंग सा लग रहा है क्योंकि आराम काफी कर चुके हैं। सुबह उठ गए 11:30 बजे तो हम लोग खा पी लिया था और अब आराम हो गया। तो अब देखेंगे किसने कहाँ भटकना है, कौन कहाँ जा रहा। सूरज साहिल तो निकल लिया और साधना भाभी और मोनिका लोग यहीं थे। एक्चुअली क्या था, आज तो इलेक्शन था। एक बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर रहे, बंद करो आवाज, ठीक है। तो मोनिका और साधन भाभी तो यहीं थे क्योंकि इलेक्शन था, गाड़ियां भी नहीं थी। फिर सुबह उन्होंने जाना भी कहां था, गाड़ियों का इशू था, तो वो सीधे यहीं आ गए थे। अब शाम को मोनिका बोल रही है मैं जाती हूं और साधना भाभी तो रात को जाएगी, तो इसलिए उनको भेज के आते हैं। आए आप किसी को भेजने जा रही हूं? क्या मोनिका को भेज लूं? सामान को कहां तक भेजोगे आपने? यहीं तक, सामने तक। फोन में पैसे क्यों ले तुमने? क्या फोन में पैसे क्यों ले? मतलब मेरा फोन आया दिव्यान वाली के, आपका नेट खत्म हो गया तो मनु और मौसी ने सारे पैसे खत्म कर दिए। ये मनु सारे पैसे खत्म हो गए तुम्हारे, हमने सब खा लिया, ठीक है। तो पापा यहाँ पे कर रहे हैं, जो मोनिका लोग जा रहे हैं तो मिठाई वगैरह देने की तैयारी। हाँ तो ये हम लोगों ने ना कल नहीं लिए थे मिठाई के डब्बे क्योंकि हमने सोचा था कि लास्ट में जब सब लोग यहीं से जाने वाले हैं तो यहीं से देंगे, तो ये मिठाई के डब्बे हो रखे हैं तैयार। भाभी सोनी भी है, चलिए जाओ जाओ, चलो ठीक है सूरज, बाय बाय दादी जाओ। इसका तो पता नहीं अपना क्या ही चलता रहता है ना, पीछे से क्या ही बोलता रहता है। चलो ठीक है गाइस, मिलेंगे जल्दी, चलो शायद हम दोबारा मिले, फिर ब्लॉग में मिलेंगे अगले महीने, मिलेंगे इसकी सगाई में मिलेंगे, अब मरतले मिलेंगे। हेलो मैम, 07 है ना आपकी आईडी? ये नहीं तो क्यूट गर्ल हूँ, इसका मतलब मेरी आईडी भी क्यूट गर्ल से मैंने देखा था यार, वो फेसबुक ठीक है यार, वो ठीक है फेसबुक फेसबुक, नहीं वो मेरा नहीं है, मेरा सजवान ब्लॉग। हाँ मैंने देखा है। चल चल जा ऊपर जा, चल ऊपर जा। इलेक्शन की वजह से दिन भर तो सुनसान हो रखा था, इक्का दुक्का स्कूटी बाइक चढ़ रहे थे और अभी शाम के 5 बजे तक पूरी चकाचौंध हो गई है मार्केट में। मैं मोनिका को भेजने गई तो इतनी ज्यादा बारिश आई कि कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई। और ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो गया है और भाभी लोग सब यहाँ पे बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं। वीडियो आज दिन भर आराम भी खूब कर लिया तुमने? आज तो आराम भी खूब हुआ और सबकी वीडियो देख लिया, जो जितने सारे ब्लॉगर थे जी जी, तुमने सब देख ली? सब देख लिया। मैं अब देखूंगी। दादी दादी क्या क्या बातें कर रही बहू रानी से? मैं क्या कल का दिन कैसा सुंदर था ना, अरे साथ सगाई 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 चला लो घर। वही तो कुछ देर की वो थी बस, एक दिन भी होगी कुछ देर की बात थी वो। नहीं नहीं दादी जो कल के पोस्ट थे ना उनको देख के याद कर रही यार, हंस रही अच्छा समय है वाला बल, हमारे टाइम पर तो कुछ नहीं था बच्चे। मेरे और शुभम के पोज देख के दादी बोल रही थी ना, देखना इसके वीडियो में पोज वाली, खतरनाक पोज वाली वीडियो देखना। मैं कही दिन हम धूमधाम हो, बाकी हम मेहमान ते रहे हैं बर करो अपना घर चले बेट करो बड़ी बार सामान दे जाए अपना सामान लिख दे बाकी हम खोले रहे खोले किले। सबसे अच्छा समय रहता है सगाई और शादी के बीच का जो समय रहता है ना, वो मतलब हमेशा यादगार रहता है। कभी भी देख जब शादी हो जाएगी ना, बंदरी बंदरा मिली बल फिटी पड़ी बरा अब कामनी रह गई है, कामनी के लिए भी एक सुंदर वर की तलाश है। हाँ। सुंदर सुशील गंभीर और क्योंकि ये भी गंभीर है, इसको गंभीर ये भी बहुत गंभीर है, अगर वैसे होगा तो मुश्किल बनेगी इनकी। नहीं नहीं एक चल जाता है भाभी, एक तेज और शरीफ में चल जाता है। बहुत कम बोल रही है, क्या बोल रही है, नहीं तो बहुत कम बोल ही नहीं रही भाई।
हाँ तो जो लोग नए लोग हैं, कामनी है मेरे चाचा की लड़की, यानी मेरे एक चाचा हैं और मेरे पापा लोग दो भाई हैं और एक मेरी बुआ है, तो कामनी है मेरे चाचा की लड़की और अब इसके लिए एक सुंदर सुशील वर की तलाश है। तो अगर किसी को दिखता है तो संपर्क करें, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। हाँ वही तो। क्या बोला तुम, कल ऐसे लड़का क्या बोल रहे दादी जी ने, मतलब सासू जी ने थोड़े से समय में सब कुछ नोट कर दिया। कबे खुजाई थी इन्होंने, पसंद हो गई ज्यादा ही, पसंद सबको पसंद आ रखा है ना? हर कोई यही पूछा कहाँ ढूंढा, कितना सुंदर है ये। हमारी मोनिका काम है क्या? वही तो, तुम मुझे कम समझ रहे हो। हमारी मोनिका काम है, देखो तुम। वही तो। फोन न मिल जाना, हाँ हाँ ठीक क्या भाभी को चिंता हो रही है कि मेरे प्राणनाथ को ऐसे ना दिखा दे, ये गलत दिखाओ, उनको आपने इतना खिला रखा, आप बोलो पेट अंदर डालो। अब भाभी पूछेगी कि भैया कैसा खाना बना था, बोलो कैसे बना था खाना। बहुत बढ़िया, ना बोल बोल दिल कट रखे इधर पड़े हुए। ससुर जी की तारीफ, ससुर जी ने अच्छी पनीर बना रखी है, क्या बताएं। पनीर बहुत टेस्टी पनीर है ना, बहुत बहुत मम्मी बहुत टेस्टी पनीर बन, मम्मी भैया बना बहुत टेस्टी पनीर बन, मम्मी सुनी नहीं ध्यान नहीं, मम्मी भैया बना बहुत टेस्टी पनीर बन। और यहाँ पे भी चल रहा है खाना पीना। हेलो दादी, खा चुकी है आई हूँ भी तो ईद खा आगे भैया नहीं आई छो मैं उधर बैठ गया, अब आ रही हूँ वही तो देखा सर, बाकियों को हम कहोगे खाने दो यार, हमको खाने दो, और इन बच्चों वालों को है कि इनको इनको भूख लग गई होगी नी, वही तो अच्छी हवा होनी ना। हाँ ठीक है भाभी, बाय बाय, बहुत धन्यवाद तीन दिन के लिए हमने यहाँ तुम्हें आपको सज क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको जितना भी कष्ट हुआ उसके लिए खेद है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीन दिन का हमें तो पता ही नहीं चला। चलो फिर चलो 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 ठीक है, कितना मस्त दे ठीक है भाभी, बाय करो भाभी को, ए बाय करो, बाय करो पार्क ना, बाय करो, मैं एक फोन पकड़ा मोनिका ने, देखो मेरे लिए कितना बड़ा जैकेट, क्योंकि जिस साइड हम जा रहे हैं वहाँ ठंड होने वाली है, कोई नहीं आराम से ऐश मारो। अरे भाई बाय गाइस, बाय बाय, बाय करो, बाय।